गाइस, जैसा कि सबको पता है कि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। एक नींबू की कीमत 15 रुपए हो चुकी है और एक किलो नींबू 300 रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक नींबू इतने महंगे कैसे हो गए। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, गुजरात जहां सबसे ज्यादा नींबू का प्रोडक्शन होता है, वहां पर साइक्लोन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है और देश में नींबू की कमी आ गई। दूसरा, पिछले साल मॉनसून काफी अच्छा था और इस वजह से सितंबर अक्टूबर के महीने में हैवी रेनफॉल हो गया, जिसने नींबू की ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया है और बड़ी मात्रा में नींबू खराब हो गया है। तीसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से चीजों का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो गया है और हम नींबू को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। इन्हीं 3 कारणों की वजह से आज नींबू की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। गाइस, क्या आपको भी नींबू पसंद है और बढ़ते प्राइस के चलते आप इसे खरीद नहीं पा रहे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन से ही अनुशासन को अपना हथियार बना लिया था और उसी के बलबूते आज उसने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं आगरा की सुप्रिया जाटव की, जिन्होंने अमेरिका के US ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और वो अब देश की पहली और एकमात्र ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दरअसल सुप्रिया के पिता आर्मी में मेजर थे और उन्होंने सुप्रिया को महज 6 साल की उम्र में ही ग्वालियर के कराटे अकेडमी में भेज दिया, क्योंकि वो सुप्रिया को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते थे ताकि वो खुद पर आए किसी भी संकट से बच सके। लेकिन सुप्रिया के मन को ये खेल इतना भाया कि उसने इसी में अपना फ्यूचर देख लिया। फिर क्या था, 1 साल में ही उसका जुनून मेडल में बदलने लगा। सुप्रिया ने कई स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप को अपने नाम किया और फाइनली एक ऐसा दिन आया जब उसने US ओपन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गाइस, सुप्रिया की उपलब्धि के लिए A2 फैमिली उन्हें दिल से सलाम करती है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।